सखंड कृमि प्राणी संघ। इन प्राणियों का शरीर लंबा, दंडाकृति और उनमें विखंडी खंडी भवन दिखाई देता है। अधिकतर प्राणी स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले होते हैं, पर कुछ बाह्य परपोषी भी होते हैं। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले प्राणी समुद्र में, मीठे जल में भी पाए जाते हैं और कुछ प्राणी भूचर भी होते हैं। ये प्राणी त्रिजनन स्तरीय, द्विपार्श्व सममिति वाले और देह गुहा वाले प्राणी होते हैं। उनमें संचलन अर्थात गतिवान होने के लिए दृढ़ रोम अथवा परापाद अथवा शूक जैसे अवयव होते हैं। इनका शरीर विशिष्ट उपचर्म का बना होता है। ये प्राणी एकलिंगी अथवा उभयलिंगी होते हैं, उदाहरण केंचुआ, जो, नेरिस इत्यादि। चुनौती स्वीकार करें, केंचुओं को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? जो का आयुर्वेद में किस प्रकार से उपयोग करते हैं? संधिपाद प्राणी संघ। इन प्राणियों में टुकड़े टुकड़े जुड़कर उपांगों का निर्माण होता है, इसी कारण इन्हें संधिपाद प्राणी कहा जाता है। पृथ्वी पर मिलने वाले प्राणियों में इसी संघ के प्राणियों की संख्या सबसे अधिक है, इसी कारण संधिपाद प्राणी संघ ये सबसे बड़ा संघ है। साथ ही प्राणी जगत के अन्य प्राणियों से जीवन संघर्ष में अधिक सफल होने वाला संघ भी यही है। ये प्राणी गहरे समुद्र से लेकर ऊंचे पर्वत शिखर सभी प्रकार के अधिवासों में पाए जाते हैं। इन प्राणियों के शरीर त्रिजनन स्तरीय, सत्य देह गुहा युक्त और द्विपार्श्व सममिति वाले साथ साथ खंडीभूत भी होते हैं। इनके शरीर के चारों ओर काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है। ये प्राणी एकलिंगी होते हैं, उदाहरण केकड़ा, मकड़ी, बिच्छू, तिलचट्टा, गोम, तितली, मधुमक्खी इत्यादि। चुनौती स्वीकारे, काइटिन का क्या अर्थ है? थोड़ा सोचे। संधिपाद प्राणियों द्वारा मानवों को होने वाले लाभ और हानियों के बारे में बताएं। इस संघ में सबसे कम और सबसे अधिक जीने वाले प्राणी कौन से हैं? संधिपाद प्राणी संघ के प्राणी अन्न के लिए मनुष्यों के साथ सीधा संघर्ष करते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? मृदु कवचधारी प्राणी संघ। इन प्राणियों के शरीर नरम और बुलबुले जैसे होते हैं, इसी कारण से इन्हें मृदु कवचधारी प्राणी कहा जाता है। प्राणी जगत का ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इस संघ के प्राणी प्रायः जलचर या फिर भूचर होते हैं। जलचर मृदु कवचधारी प्राणी ज्यादातर समुद्र में पाए जाते हैं, पर कुछ मीठे पानी में भी मिलते हैं। इन प्राणियों का शरीर त्रिजनन स्तरीय, देह गुहा युक्त, अखंडित और मृदु होता है। मुष्टिशंख जैसे प्राणियों को छोड़कर अन्य प्राणियों के शरीर द्विपार्श्व सममिति वाले होते हैं। इनका शरीर सिर, उपांग और पाचन अंतरंग संहिति इन तीन भागों में विभाजित होता है। अंतरंग संहिति ये भाग कवचयुक्त संरचना से आच्छादित होता है, जिसे प्रावार कहा जाता है। यह प्रावार कठोर कैल्शियम कार्बोनेट युक्त संरक्षक कवच का बना होता है, जो संस्रावित होता है। ये कवच शरीर के चारों ओर या शरीर में होता है और कुछ में ये कवच नहीं होता। ये प्राणी एकलिंगी होते हैं, उदाहरण सीपी, मोती युक्त, मुष्टि शंख और अष्टभुज। जानकारी, सारे असम पृष्ठ रज्जु प्राणियों में ऑक्टोपस सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। वो रंग बदल सकता है, वो तीन प्रकार की हलचल कर सकता है, तैरना, रेंगना और चलना। चुनौती स्वीकारे, सीपी ऑयस्टर से मोती कैसे प्राप्त होता है? कांटेदार त्वचा वाले प्राणियों का संघ। इन प्राणियों के शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट के कांटे होते हैं, इसलिए उन्हें कांटेदार त्वचा वाले प्राणी कहते हैं। ये प्राणी सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं। इनके शरीर त्रिजनन स्तरीय और देह गुहा वाले होते हैं। इनके शरीर में प्रौढ़ावस्था में पंचअरीय सममिति दिखाई देती है, परंतु इल्ली या अर्भक अवस्था में द्विपार्श्व सममिति होती है। ये प्राणी नलिकापात से संचलन यानी हलचल करते हैं। इन्हीं नलिकापात का उपयोग वे भोजन पकड़ने के लिए भी करते हैं। कुछ प्राणी स्थानबद्ध होते हैं। इन प्राणियों के कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट युक्त कांटों से या पट्टिकाओं से बने होते हैं। इन प्राणियों में पुनर्निर्मिति की क्षमता काफी अच्छी होती है। ये प्राणी प्रायः एकलिंगी होते हैं, उदाहरण सितारा मछली, सी अर्चिन, समुद्र ककड़ी, ब्रिटल स्टार इत्यादि। क्या आप जानते हैं, तारा मछली विशिष्ट परिस्थिति में अपने शरीर के भाग को तोड़कर अलग अलग कर सकती है तथा उस भाग की पुनर्निर्मिति भी कर सकती है। उसी प्रकार खतरे के समय छिपकली अपनी पूंछ तोड़कर भाग जाती है, ये भी अपने पूंछ की पुनर्निर्मिति कर सकती है। साम्यरज्जु प्राणी संघ। इन प्राणियों के शरीर तीन भागों में विभक्त होते हैं, शुंड, स्कंद मूल और धड़। केवल शुंड में ही पृष्ठरज्जु होता है, इसलिए इन्हें साम्यरज्जुमंत प्राणी कहा जाता है। सामान्य रूप से इन प्राणियों को अर्कॉन कृमि कहा जाता है। इस संघ के प्राणी समुद्रवासी होते हैं, जो रेत में बिल बनाकर रहते हैं।
श्वसन के लिए इनमें एक से अधिक क्लोम छिद्र होते हैं। ये प्राणी एकलिंगी अथवा द्विलिंगी होते हैं। उदाहरण बैलनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस। जानकारी उत्क्रांति के दृष्टि से बैलनोग्लॉसस प्राणियों को असमपृष्ठ रज्जु प्राणी तथा समपृष्ठ रज्जु प्राणियों के बीच की कड़ी माना गया है। ये प्राणी इन दोनों प्रकार के प्राणियों के कुछ कुछ गुणधर्म दर्शाते हैं। समपृष्ठ रज्जु प्राणी संघ विकास अवस्था के किसी न किसी अवस्था में शरीर में मेरुदंड पाया जाता है। विकास अवस्था के किसी न किसी अवस्था में शरीर में ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। एक ही मेरु रज्जु होता है जिसका आकार नलिका के जैसा होता है और वो अंदर से खोखला होता है। मेरु रज्जु शरीर के पृष्ठतल में पाया जाता है। हृदय शरीर के अधरतल में पाया जाता है। इन प्राणियों के शरीर में आधार के लिए मेरुदंड होता है। सारे पृष्ठ रज्जु प्राणियों को एक ही संघ में समाविष्ट किया जाता है। समपृष्ठ रज्जु संघ को तीन उपसंघों में विभाजित किया जाता है। समपृष्ठ रज्जु प्राणी संघ के प्राणियों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इन्हें तीन उपसंघों में विभाजित किया जाता है। उपसंघ यूरोकार्डेटा, उपसंघ सेफलोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा उपसंघ, पृच्छ समपृष्ठ रज्जु प्राणी, कंचुक युक्त बाह्य कवचधारी प्राणी। ये समुद्र में रहने वाले प्राणी होते हैं। इनके शरीर कंचुक इस चर्म जैसे आवरण से आच्छादित होते हैं। इनके अर्भक स्वतंत्र रूप से तैरते हैं और पृष्ठ रज्जु सिर्फ इनकी पूंछ में होता है। इसी कारण इन्हें पृच्छ समपृष्ठ रज्जु प्राणी कहते हैं। सागर तल में स्थित होने के बाद इन अर्भकों का रूपांतरण प्रौढ़ में होता है। सामान्यतः ये प्राणी द्विलिंगी होते हैं। उदाहरण हर्डमानिया, डोलिओलम, ऑइक्योफ्लोरा इत्यादि। उपसंग शीर्ष समपृष्ठ रज्जु प्राणी। इन प्राणियों का आकार छोटी मछलियों जैसा होता है और ये समुद्र में रहते हैं। इनमें पृष्ठ रज्जु संपूर्ण शरीर के लंबाई इतना होता है। ग्रसनी बड़ी होकर इनमें क्लोम छिद्र होते हैं। ये प्राणी एकलिंगी होते हैं। उदाहरण एम्फियोक्सस। उपसंग शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी। इन प्राणियों में पृष्ठ रज्जु की जगह मेरुदंड विकसित होता है। इनका सिर पूर्ण रूप से विकसित होता है। मस्तिष्क करोटी में सुरक्षित होता है। अंतक कंकाल कास्थिमय अथवा अस्थिमय होता है। कुछ समपृष्ठ रज्जु प्राणी जबड़े रहित होते हैं और कुछ प्राणियों के जबड़े होते हैं। उपसंग समपृष्ठ रज्जु प्राणियों को 6 वर्गों में विभाजित किया जाता है। वे इस प्रकार से हैं। चक्रमुखी प्राणी वर्ग। इन प्राणियों में जबड़े रहित चूषक मुख पाया जाता है। त्वचा मृदु होकर शल्क रहित होती है। इनमें चलने फिरने हेतु युग्मक उपांग नहीं पाए जाते। अंतक कंकाल कास्थिमय होता है। ये प्राणी मुख्यतः बाह्य परजीवी होते हैं। उदाहरण पेट्रोमाइजोन, मिक्सिन आदि। मत्स्य वर्ग। ये शीत रक्त वाले जलचर प्राणी हैं जो समुद्र या मीठे जल में पाए जाते हैं। पानी का प्रतिरोध कम हो इसलिए इनका शरीर दोनों ओर से नौकाकार होता है। इन्हें तैरने के लिए युगल अथवा अयुगल पंख होते हैं। पुच्छ पंख का उपयोग तैरते समय दिशा बदलने के लिए होता है। इनका बाह्य कंकाल शल्क पत्रों के स्वरूप में होता है और अंत कंकाल कास्थिमय या अस्थिमय होता है। उभयचर प्राणी वर्ग। ये प्राणी उनके भ्रूण अवस्था में पानी में ही रहते हैं और जलीय श्वसन करते हैं। प्रौढ़ावस्था में वे पानी तथा जमीन दोनों में रहते हैं और जलीय और वायवीय श्वसन करते हैं। इसी कारण इन्हें उभयचर प्राणी कहा जाता है। इन्हें उपांगों की दो जोड़ियां होती हैं और इनके उंगली में नाखून नहीं होते हैं। बाह्य कंकाल नहीं होता। इनकी त्वचा पर शल्क नहीं होता और त्वचा अत्यंत मृदु होती है और श्वसन के लिए उसे नम रखा जाता है। बाह्य कर्ण का अभाव होता है पर कर्ण पटल होते हैं। गर्दन नहीं होती। आंखें बाहर निकली हुई होती हैं और उन्हें पलके होती हैं। उदाहरण मेंढक, टोड, सैलेमेंडर। सरीसृप प्राणी वर्ग। प्राणी उत्क्रांति के क्रमानुसार पूर्ण रूप से भूचर होकर रेंगने वाले ये पहले प्राणी हैं। ये प्राणी शीत रक्त वाले होते हैं। इनका शरीर ऊपर नहीं उठता इसलिए ये जमीन पर रेंगते हैं। इनकी त्वचा शुष्क, खुरदुरी और शल्कयुक्त होती है। सिर और धड़ के बीच में गर्दन होती है। बाह्य कर्ण का अभाव होता है। उंगलियों में नाखून होते हैं। उदाहरण कछुआ, छिपकली, सांप इत्यादि। पक्षी वर्ग। ये कशेरुका स्तंभयुक्त प्राणी है जो पूर्ण रूप से वायवीय जीवन के लिए अनुकूल है। ये प्राणी उष्ण रक्तीय होते हैं, अर्थात ये अपने शरीर का तापमान स्थिर रखते हैं। उड़ते समय हवा का प्रतिरोध कम हो इसलिए इनके शरीर का आकार नौकाकार होता है। इनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं। उंगलियां शल्कों से आच्छादित होती हैं और उनमें नाखून भी होते हैं।
बाह्य कंकाल परों के रूप में होता है। सिर और धड़ के बीच में गर्दन होती है। जबड़ों का रूपांतरण चोंच में हुआ है, उदाहरण मोर, तोता, कबूतर, बत्तख, पेंगुइन इत्यादि। चुनौती स्वीकार करें, घड़ियाल और मगरमच्छ जैसे प्राणी पानी में और जमीन पर भी रहते हैं, फिर क्या वे उभयचर हैं या सरीसृप? देव मछली, वालरस, ये पानी में रहने वाले प्राणी हैं। इन्हें मत्स्य वर्ग में समाविष्ट करेंगे या स्तनधारी प्राणी के वर्ग में? स्तनधारी प्राणी वर्ग। दुग्ध स्रवित ग्रंथियों का होना स्तनधारी प्राणियों की खासियत है। ये प्राणी ऊष्म रक्त वाले होते हैं। इनका शरीर सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभाजित होता है। उंगलियों में नाखून, नखर, खूर आदि होते हैं। बाह्य कंकाल बालों या ऊन के रूप में होता है, उदाहरण हाथी, मानव, कंगारू, डॉल्फिन इत्यादि।